देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके कुआं तालाब जियाओ की मुहिम चलाई और उसके तहत बांदा को एक नाम मिला जल संरक्षण का। वहीं दूसरी तरफ अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर कृषि क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं तो बहुत जगह ऐसे भी गांव हैं जहां पर जल स्तर बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुओं की स्थिति बहुत ही बुरी। अगर मैं बात करूं सिंहुड़ा की तो यहां पर 184 कुएं हैं और यहां का जल स्तर बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहां पर उस मुहिम के तहत किसी तरह का काम नहीं हुआ और आज भी यहां का किसान पानी के संकट से जूझ रहा है सिंचाई के लिए। यहां पर पानी की क्या स्थिति है? कालिंजर और इस जनपद में पानी की स्थिति बड़ी गड़बड़ है और यहां पानी की बहुत कमी है। पानी की त्राहिताई रहती है, वर्षा कम होती है और दूसरी बात कुआं और तालाबों में जिस तरह पूर्व में आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले पानी रहता था वो स्थिति नहीं है। 90% कुएं तालाब सूखे हुए हैं जिनमें बिल्कुल पानी नहीं है और उनका जीर्णोद्धार, उनकी साफ़ सफाई कराने की आवश्यकता है। यदि उनकी साफ़ सफाई करा दी जाएगी तो उनमें जल स्तर बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक रही बात साफ़ सफाई की तो मुझे नहीं लगता कि इन कुओं की कहीं पे सफाई कराई गई है। कालिंजर क्षेत्र या आसपास के कुओं में लोगों ने हल्ला जरूर मचाया है लेकिन उस स्तर पे काम नहीं हुआ। तो जिस तरह से कुआं तालाब जियाओ भूजल बचाओ अभियान चला था, पूर्व डीएम हीरालाल ने चलाया था और इसका डंका यहाँ से लिम्का बुक रिकॉर्ड तक बजा और इसका नाम दर्ज हुआ, क्या लगता है उससे कुछ सुधार हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सुधार हुआ उससे, क्योंकि प्रचार प्रसार और हल्ला ज़्यादा था और हुआ भी होगा तो कुछ ऐसी जगहों में जहाँ पे उसको मीडिया के सामने रखा जा सके, लोगों को दिखाया जा सके। मॉडल के तौर पे कुछ तालाब और कुओं पर काम किया गया है लेकिन गांव लेवल पे, क्षेत्र लेवल पे मुझे नहीं लगता किसी कुआं और तालाब में कोई काम किया गया है। पानी की किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे? पानी के नल लगवावा, कॉलोनी बटवावा तो हमें दिक्कत कुछ नहीं है और जब मिलता नहीं है तो दिक्कत तो है ही है, परेशानी तो है ही है। कहाँ से लाती हैं पानी? अरे पानी दही नल से ले जाइए, जो मकान है हमारा यहाँ वही से भर भर ले जाइए, नहीं तो नल आवा ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ बता, परेशानी तो है ही है। अब बूढ़ बड़ा आदमी कहाँ जाए पानी का, जब मिल गया तो मिल गया। अब यहाँ नल यहाँ ठहा एक ठा नल से भर लग गए ना, बस अपन घर में नहाओ धो। खेती पाती भी नहीं है? नहीं है खेती पाती नहीं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ से वहाँ तक जाने में, कितना दूर से भर के लाना पड़ता है? अब यही ठंड नाला ही है जो चलो तो यहाँ से भर ला, नहीं तो यहाँ सराय हैं तो सराय सूखे पड़ी है, तो जो सराय में बोर चल गए तो वहाँ डल सुखागा, ये दिक्कत ही। कहाँ जा रही हैं पानी के लिए? वहाँ जाएंगे बस स्टैंड। पानी की यहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं? बहुत ज़्यादा है। कितना पानी लगता है पूरे दिन में? पानी अब लैट्रिन का, नहाने कपड़े धोने चलाने को लगता है। सरकार ने कुआं तालाब जियाओ एक मुहिम चलाई थी जिसमें पानी के लिए ज़्यादातर जोर दिया था, इसका रिकॉर्ड लिम्का बुक में भी दर्ज हुआ है। आपके यहाँ तो इतने सारे कुआं तालाब हैं तो क्यों पानी पर्याप्त नहीं होगा? हमारे पास में जब पानी नहीं है, हमारे पास हम इतने मजबूर है कि नल नहीं लगवा पाते हैं। तो आपके यहाँ भी कुआं तालाबों की कोई सफाई या कुछ हुई है? कभी अभी एको बार नहीं हुई, हमारे सामने एको बार नहीं हुई जब तक पानी रहता है कुओं में। डीएम हीरालाल जी ने जो मुहिम चलाई वो तो ठीक थी लेकिन उसका ज़मीनी स्तर पर इतना अच्छा प्रयोग नहीं किया गया जितना होना चाहिए था। वो तो नाम कमाने वाला काम हुआ कि कुछ कुएं ग्राम प्रधानों को कह दिए गए, हमने अपने ग्राम पंचायत में और एक बगल में बरईमानपुर ग्राम पंचायत है वहाँ के मेरे प्रधानों से और प्रधान प्रतिनिधियों से खुद बातचीत हुई, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने कुएं साफ़ कराएं तो कोई लेखा जोखा हो रिकॉर्ड हो तो बताइए हमको, दिखा दीजिए, हम ये RTI से मांग लें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो हमको बस निर्देश हुए थे, उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे ही कुआं तालाब आदेश हुए ऊपर से, तो कलेक्टर का आदेश था तो हम लोगों ने अपने स्तर से अपने खर्चे पे हमने उन कुओं को साफ़ करवा दिया है। तमाम कुएं अभी भी ऐसे हैं, कुछ ग्राम पंचायत सिंहुड़ा के अंतर्गत हैं,
कुछ आपके अकबरपुर मौजे में आते हैं, ब्रहिमानपुर नया ग्राम पंचायत का ही हिस्सा है, चौंडा से लगा हुआ है। उनकी स्थिति यह है कि वो बिल्कुल हैं तो सैकड़ों वर्ष प्राचीन, और उनका जलस्तर वर्तमान में आज की डेट में जबकि इतना जलस्तर नीचे है, 4 फीट पे पानी है उन पे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अतिक्रमण का शिकार हैं और लैंड माफियाओं के कब्जे में हैं। और जिस बस्ती में हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के दबे कुचले लोगों की बस्तियाँ हैं, तब उनका इतना भी साहस नहीं है कि वो लोग उसको जा कर के साफ कर सकें या उसकी शिकायत कर सकें या ये कह सकें कि भाई नहीं हमको इसको उपयोग करना है, आप उसका दुरुपयोग ना करें, ये नहीं। अभी मैंने इस मामले में कई अपने पत्रकार भाइयों को जो है संबंध में लिख करके वीडियो वगैरह यहाँ से बनाए, और जो मोहल्ले के बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे मैंने कुएँ के बारे में, प्राचीनता के बारे में जाना, उसको कई पत्रकार भाइयों ने लिखा भी और खबर चलाई, लेकिन कुआँ भी जस का तस है। दिक्कत हमको ये है कि पुराने बोर से सींचते हैं, सिंचाई दे रहे हैं, नाले से भी इंजनों से सींचता है, बाकी ये दिक्कत है। तो यहाँ पे सरकारी कोई बोर वगैरह नहीं? नहीं नहीं नहीं, मतलब किसान लोग जो कोई जहाँ कराए है एक दूसरे के हित में सिंचाई होती है। तो जिस तरह से बांदा को जल संरक्षण के तहत एक नाम दिया जा रहा है कि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ अभी भी लोग पानी के लिए परेशान हैं, हाँ, सही। ऐसा क्यों है भाई? हम परेशान हैं तो हम दूसरे को क्यों बता सकते हैं? ये सब फर्जी है, जो गलत है, जो है कहीं से अपना कागजों में दौड़ा के उसको नाम दे रहे हैं। तो इसमें नाम कागज में दौड़ने से थोड़ी नाम समस्या हल हो जानी है, वो तो जब कोई कार्य हो उससे कुछ किसान को या उन मजदूरों को फायदा मिले तब उसका जो है ये होगा कि समस्या का निदान हो रहा है, समस्या का समाधान हो रहा है। ये तो समस्याएं तो बनी हुई हैं जो है। अब अपने यहाँ सींच का साधन कोई उस तरह सरकारी ट्यूबवेल नहीं है न वो है, बस इसी तरह जो नाले वाले से थोड़ी बहुत सिंच गई तो सिंच गई, नहीं बस वही ज्वार अरहर और चना की आदि फसल होती है, जो जिसके बोर है निजी के वो अपना काम करते हैं बस। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या हमारे पुरातन काल से है जो है, जब हमारे पुरखों से है चली आ रही है। तो यहाँ भी तो कुएं तालाब वगैरह हैं, तो उनकी क्या स्थिति है? यहाँ जो कुएं तालाब हैं तो उनकी स्थिति ये है कि जो कुछ सही साठ है तो वो बस्ती के अंदर हैं, जो उस तरह के कुएं हैं वो खराब हो चुके हैं, तो उनकी हालत खराब हो गई है। यहाँ कितने प्रतिशत किसान होगा सिमढ़ा में? यहाँ अब 80% किसान तो मान ही लीजिए जो खेती बाड़ी करते हैं। सिंचाई कितने प्रतिशत किसान कर पाते हैं? सिंचाई बस वही 30-40% सिंचाई होती है, बाकी उस तरह की ऊबड़ खाबड़ की खेती है बस, तो वहाँ ये सूखी फसल होती है। और अगर ये सुविधाएं हो जाए तो काफ़ी आराम मिल जाए जो है किसान को भी, उसमें जो है सिंचाई होने लगे, कुछ उससे गल्ला पैदा होने लगे, उनकी तो काफ़ी आय बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ चूँकि पाठा क्षेत्र ही है माना जाता है, और यहाँ पानी की किल्लत हमेशा बनी रही है, चूँकि 150-200 फीट से नीचे पानी कालिंजर में निकलता नहीं है, और काफ़ी गहराई में पानी है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पानी की किल्लत हमेशा बनी रही है। हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय जी ने योजना तो बनाई थी पानी की कि पानी यहाँ पर्याप्त रहे, पर वो ज़मीन पे नहीं उतार पा सके लोगों की, जो उनके जाने गए करीब लगभग 5 महीने हो गए उनको यहाँ से जाते, तो ये सब योजनाएं उनकी जो है धड़ी की धरी रह गई। जल संरक्षण को देखते हुए जो बुंदेलखंड में हमेशा सूखा की स्थिति रहती थी और पानी की कमी रहती थी, तो इस पर सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया और सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चला करके, जैसे तालाब योजना, मेड़बंदी का काम और जल संरक्षण का काम, चेक डैम बनवाने का काम किया गया, बशर्ते जो सरकार के द्वारा जिस पैमाने पर धन आवंटित हुआ और इस ज़िले में काम हुआ वो धरातल पर कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। जो जल संरक्षण का काम है वो हुआ तो यहाँ पर, मगर शर्ते जिस क्षेत्र में हमारे जल की आवश्यकता थी, जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र मटौन क्षेत्र है, यहाँ पर हमारे बोर भी नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तालाबों के द्वारा अच्छी सिंचाई की जाती थी, तालाब बने मगर जिस पैमाने पर बनना चाहिए उस पैमाने पर नहीं बन पाए, क्योंकि पानी की जब तक बरसात अच्छी नहीं होगी तब तक तालाब भरे नहीं जा सकते, और जब तालाब भर नहीं पा रहे हैं तो इसका अभी वो प्रयोग नहीं हो पा रहा है। बशर्ते यहाँ पर जो स्थिति है वर्तमान में वो अभी कुछ सुधार तो हुआ मगर
25% सुधार है, अभी 75% काम करना बिल्कुल शेष पड़ा हुआ है। अभी 75% इसमें काम करने की प्रगति होनी चाहिए और जब तक ये इसमें जो सरकार के द्वारा जो पैसा आ रहा है उसको सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक धरातल पर काम उतना सही हो नहीं पा रहा है। इसके हिसाब से तो हम पूर्णतया नहीं बता पाएंगे कि कितना बजट है, पर इसका लगभग लगभग यहां पर जल से संबंधित लगभग लगभग 50 करोड़ से तो ऊपर होगा इसका बजट। देखिए पिछले 1.5 साल में जिससे आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की, वो रिकॉर्ड जो है तत्कालीन जो यहाँ पर जिला अधिकारी थे श्री हीरा लाल जी, इसमें लखनऊ में हैं, स्वास्थ्य के पद पर हैं, स्वास्थ्य विभाग के पद पर हैं, ये उनके कार्यकाल पे पूरा एक जो है तैयारी हुई थी और तैयारी होने के पीछे भी उनको बहुत बड़ा अवसर मिला था। हुआ ये था कि जब वो आए थे आज से 1.5 साल पहले, अभी मार्च के महीने में ही उनका यहाँ से स्थानांतरण हुआ, और 1.5 साल पहले जब मई के महीने में आए थे तो यहाँ पर प्रचंड गर्मी थी और प्रचंड सूखा था। लोगों के दिमाग में एक चीज़ थी कि पानी को लेकर के संकट खड़ा होने वाला है, और चूँकि वो पूर्वांचल के बलिया के रहने वाले हैं बस्ती के, तो उनके दिमाग में भी एक चीज़ ये कहीं ना कहीं मीडिया के मार्फत थी कि बुंदेलखंड में पानी की स्थिति बहुत भयावह है और यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता है। तो हुआ ये कि 1.5 साल तक जो चीज़ें यहाँ चली उसमें कुछ सामाजिक लोग थे, कुछ व्यापार मंडल के लोग थे, कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ और पूरा एक ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरो मतलब एज ए डीएम जो रोल उनको जल संचयन के बारे में वास्तविक करना चाहिए था उसको उन्होंने केवल और केवल मीडिया की खबरों तक सीमित रखा। एक पूरा जो मैन पावर था जो एज ए डीएम होता है उसको उन्होंने मीडिया की खबरों को लाइजनिंग कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि उस सोसेबाजी में लगा दिया। 1.5 साल में डीएम साहब ने दावा किया कि हमने 470 ग्राम पंचायतों में जो है 2286 समथिंग हैंडपम्प और कुएँ बनवाए या रिबोर करवाए, उनकी सफाई कराए, ऐसा उनका दावा प्रकाशित हुआ पेपर में, वो खबर आज भी मेरे पास सुरक्षित है। जब वो यहाँ से चले गए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की खबर छप गई, चित्रकूट की एक संस्था थी लोकल, उसमें एक लड़की काम करती थी प्रशंसा, वो और एक दो लोग यहाँ के थे, जखनी एक गांव पड़ता है यहाँ पे, वहाँ उमा शंकर पांडे भी थे, तो जखनी को उन्होंने डीएम साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि जखनी की तर्ज पर हम जो है 470 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाएंगे। 470 ग्राम पंचायतों में आज जाकर के आप देखेंगे तो आपको जिन कुओं की और जिन तालाबों की उन्होंने आरती करी थी या उस पर दीपदान किया था उनकी स्थिति देख लीजिएगा जाकर के। मैंने खुद जो है इनके ही विभाग से ये RTI डाली, इस RTI को डाले हुए मुझको आज करीबन 4 महीने हो रहा है। CDO साहब को RTI डाली गई, आपके ADM साहब को RTI डाली गई कि आखिर जो आपने 470 ग्राम पंचायतों में जल बचाने का दावा किया था, जिन कुओं की सफाई और तालाब बचाने का दावा किया था, वो रिकॉर्ड है कहाँ, उसकी सूची कहाँ है, क्योंकि आप रिकॉर्ड तो बना चुके हैं। DM साहब ने लखनऊ से फ़ोन कर दिया अपने आला अधिकारियों को, जहाँ CDO साहब हैं, DDO मनेरेगा हैं पांडे जी, ADM साहब हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि संयुक्त कमिश्नर ने 3 बार लेटर लिखा कि आप जो है संबंधित पत्रावली का जवाब दीजिए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हंसी तो तब आने लगी इस पूरे खेल पर जब जो यहाँ पर कुछ स्थानीय मिनिस्ट्री मीडिया के पत्रकार थे जिन्होंने हीरा लाल जी को बाकायदा एक एक पेज लिखा, और जाते जाते DM साहब ने उनको शस्त्रों के लाइसेंस दिए। जब उसका जो है RTI में मांगा गया तो ADM साहब ने कह दिया कि इससे गोपनीयता भंग होती है शस्त्र धारक की, इसलिए आपको जवाब नहीं दिया जा सकता, जबकि सूचना अधिकार की धारा ये कहती है कि आपको जवाब देना पड़ेगा अगर वो जनहित में मांगा गया है। पानी यहाँ पर अनियमित वर्षा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, तो तालाब से जब पानी इकट्ठा होगा, तालाब में जब जल संग्रहण होगा तो लोगों को साल भर खेती सिंचाई के लिए बेसिक चीज़ों के लिए पानी मिलता रहेगा। आपने 2500 तालाब यहाँ पे ख़त्म कर दिए जो चंदेलकालीन थे, आप नए तालाब बना रहे हैं हर साल, खेत तालाब आप DM साहब ने खुद अपने कार्यकाल में 2000 तालाब बनवाए, उन तालाबों की लिस्ट उठा के देख लीजिए भूमि शिक्षण विभाग में, उसका भी एक उदाहरण दिए दे रहा हूँ। मैं खुद जो है कुछ लोगों की मदद करता हूँ, उस रूप में मुझे कुछ पैसा मिल जाता है जिससे मैं अपनी आजीविका चलाता हूँ। हमारे एक ठेकेदार साहब मित्र हैं भूमि शिक्षण विभाग में, खेत तालाब का काम करते हैं, जब उनसे पूछा कि आप खेत तालाब का काम क्यों करते हैं, अब उनके पास JCB मशीन है, जो किसान खेत तालाब बनाता है तो चूँकि ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी, 1,20,000 रुपये मिलता है छोटे वाले तालाब पर और 2,50,000 मिलता है बड़े वाले तालाब पर, तो बड़े वाले तालाब पर स्प्रिंकलर सेट भी मिलता है सिंचाई के लिए। छोटे वाले तालाब पर क्या होता है, पैसा जाता है किसान के खाते में, तो भूमि शिक्षण विभाग के अधिकारी की, किसान की और ठेकेदार की, 3 लोगों के बीच की ये पूरी कहानी होती है, और 50,000 रुपये किसान के खाते पर जाता है, JCB मशीन से मुश्किल से 20-25,000 में गड्ढा खोद जाता है और बाकी पैसा पूरा निकाल लिया जाता है। ये खेत तालाब की स्थिति है,
2000 तालाब ऐसे बने हैं, चाहे जिस गांव में जाके देख लीजिएगा, उन किसानों को मोबाइल करके पूछ लीजिएगा, लिस्ट हम दिए देते हैं कि आप चलिए अपने खेत में ज़रा दिखा दीजिए, चल के दो दो फुट के गड्ढे खोदे गए, उनको तालाब बनाया गया है। इधर चले जाइएगा मोदाहा वाली रोड में, जैसे बांदा का आउटर क्रॉस करेंगी गुसियारी वाली बेल्ट पे, तो वहाँ देख लीजिएगा, और जो किसानों ने खोदे हैं उनके यहाँ देख लीजिएगा। अपवाद की बात नहीं करता, कोई भला मानुस किसान हो जिसने सोचा हो कि नहीं मुझको सरकार का पैसा यूज करना है और जो है पुरुषार्थ में लगाना है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं करता, एक भीड़ की बात कर रहा हूँ जिस पे आपके रिकॉर्ड बनते हैं, तो उन रिकॉर्डों को टटोलने की ज़रूरत है। और बाकी लिमका बुकाफ रिकॉर्ड बन गए, अभी कल जो है पौधरोपण पर जो है कृषि विश्वविद्यालय में 360 पौधे लगाए हैं आपके वन विभाग ने, उसने भी चौथा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो रिकॉर्ड बनाते रहिए, तो रिकॉर्ड बनाने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप की नीयत साफ़ नहीं होगी और आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा कि हमें रिकॉर्ड बनाना है कि हमें पानी बचाना है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।